है ये मुद्दा हमारे घर का। ये है भाई हमारे घर के नए मेंबर। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले बालकनी जाते हैं और देखते हैं वेदर का क्या हाल है। कल तो पूरे दिन बारिश होता रहा। ओके, थोड़ी थोड़ी धूप दिख रही है। पत्तों के कलर्स चेंज होना स्टार्ट हो गए हैं धीरे धीरे और ठंड भी हो चुकी है। वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। गुड मॉर्निंग। जरा प्लांट्स को भी गुड मॉर्निंग बोल दिया जाए, देख लिया जाए इनका हालचाल कैसा है। Yes. हाँ, सन फूड होता है प्लांट्स का जो आजकल उसको मिल नहीं रहा है। और मॉन्स्टेरा प्लांट के ना लीव्स क्लीन करने हैं, थोड़े डस्ट जमा हो गए हैं, तो टाइम टू टाइम इनके लीव्स क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि फोटोसिंथेसिस का काम ठीक ठाक चलता रहे। और ये मॉन्स्टेरा प्लांट में नए पत्ते आ गए हैं फुल कट्स के साथ, और एक यहाँ पे भी आ रहा है। चलते हैं किचन की तरफ। शनिवार की सुबह है और बज गए हैं 8। बनाते हैं ब्रेकफास्ट। कल रात को 10 बजे मैं पता है क्या कर रही थी, सब सो गए थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चिल करती हूँ, कुछ वीडियो वीडियो देखती हूँ। जब किचन में आई डिश वॉशर लगाने तो पूरा सिंक के नीचे पानी पानी, क्योंकि वो सिंक के नीचे का जो पाइप होता है ना वहाँ से पानी टपकता है। तो प्लम्बर का बोला हुआ है अभी पता नहीं कब तक होगा, बट वो कटोरी तो रखती हूँ मैं, बट शायद डायरेक्शन सही नहीं हुआ और पूरा पानी पानी फैल गया। तो रात को 10 बजे बैठ के मैं पोछा लगा रही थी, और पोछा लगाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा चिल करना बनता है, तो मैंने अकेले बैठ के मैगी खाई। यस, ये थी मेरी कल रात की दास्तान। क्या बोलना है आपको? आपके छोटू ठीक हो गए? बिल्कुल ठीक हो गए हैं। क्योश क्या छोटू? हाउ क्या बोरोलिन से ठीक हो गया? मैजिक क्रीम, बोरोलिन है हमारे घर का मैजिक क्रीम। क्या बोरोलिन आपके भी घर का मैजिक क्रीम है? बताओ बताओ। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट के लिए सारी चॉपिंग कटिंग हो चुकी है, सूजी भी भर लिया है, तो आज बन रहा है सूजी का उपमा। यहाँ पे मैं 1 कप सूजी को लो टू मीडियम फ्लेम पे बस रोस्ट कर रही हूँ। सूजी रोस्ट हो चुका है। घी में मैंने डाला है सरसों, जीरा और थोड़ा सा उड़द दाल। अनियन और टमाटर भी ऐड कर दिया, इसमें डाला है 1 चम्मच नमक। मेरे पास ड्राई वाले करी पत्ता है इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ, फ्रेश करी पत्ता स्टार्टिंग में ही डालना होता है। प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें सूजी ऐड कर दिया। और इसमें डाला है गरम गरम पानी। एक कप सूजी के लिए अराउंड 2 से 2.5 कप गरम पानी। खट्टा है? यू नहीं, यम्मी। ये कैसी जूस की दुकान है, जूस बनने से पहले ही फल खाए जाते हैं, हैं? हाइजीन का प्लीज ध्यान रखा जाए। टेस्ट करके चुनिंदा फ्रूट से जूस बनाया जाता है कि ताकि तुम्हें फ्रेश फ्रेश मीठा। वो तो बात हो गई, सबरी के बेर टेस्ट कर करके राम जी को खिलाए थे। ओहो ओहो, अरे कहाँ तुम बेर कर रहे हो। ट्रायंगल का लास्ट लाइन कहाँ है? नो, a triangle doesn't need a next line. अच्छा, नया ट्रायंगल बनता है जिसमें दो ही साइड होते हैं।
ओके, फाइनली ट्रायंगल बन चुका है। धन्यवाद। Just know things will never be the same. Like strangers again. और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि दूसरे रूम्स भी दिखाऊं, कैसे डेकोरेट किया है, तो अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी मैंने लिविंग रूम किचन कर लिया है वही बहुत है। और नेक्स्ट टारगेट है हमारा येशा का रूम, तो उसके लिए जो भी मुझे DIY करनी है उसका सारा सामान आ चुका है। पेंट सारा खत्म हो गया था प्रिंस जॉर्ज के डॉलर स्टोर से, सारे डॉलर स्टोर्स देख लिए थे, एक्रेलिक पेंट कहीं था ही नहीं, तो फाइनली मैंने माइकल से मंगवा लिया है, तो उसके रूम के DIY पे काम स्टार्ट हो गया है, तो एक वीक लगेगा तो उसके बाद उसका हो जाएगा, फिर मैं लगूंगी बेडरूम के लिए, क्योंकि ऐसे ही एक एक करके होगा। और स्पेशली पता है अगर आपको जस्ट फर्नीचर से सजाना है या ऑर्गेनाइज करना है ना, तो बहुत इजी, आप जाओ खरीदो और ऑर्गेनाइज कर लो, आपका एक वीक में काम डन। बट अगर DIY करनी है, दिमाग यूज करना है, तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, वन रूम एट अ टाइम। और फिर बेड का हेडबोर्ड भी लेना है, तो उसके लिए हम थैंक्सगिविंग या फिर क्रिसमस के टाइम का सेल का वेट कर रहे हैं कि जो भी लेंगे अच्छा सा लेंगे, तो अच्छा है कि वेट करके ले। और मंदिर वाले रूम में यहाँ पे वॉल पे मैंने ये लगा लिया, अभी तो मैंने जस्ट सिंपल पुष्पिन से ही इसको लगा दिया है, वैसे इसको फ्रेम कराओ ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पहले से मेरे पास रखा हुआ था। कोलकाता में इस तरह की चीज़ें बहुत मिलती है, हाथ का काम है, इस तरह का मेरे पास 2-3 क्लोथ्स हैं जिसपे पूरा एम्ब्रॉयडरी इसी तरह से बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। Wish I could go back to right before you told me I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. कारपेट क्लीनिंग बहुत बड़ा काम है इस घर में, बट एवरीडे पूरा घर नहीं करती हूँ, थोड़े थोड़े पोर्शंस कर लेती हूँ, बट हाँ लिविंग रूम और ये डाइनिंग एरिया तो एवरीडे करना ही पड़ता है। अब सोच रही हूँ जाती हूँ नहा लेती हूँ, वैसे वीकेंड के दिन और इतना अच्छा वेदर हो रहा है, मन कर रहा है धूप में बैठ जाऊँ, मन नहीं करता है ना नहाने का, आलस आता है बहुत, तो जितना आलस करूँगी उतना आलस आएगा, तो फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर लंच भी बनाना है। लंच में बनाऊंगी दाल मखनी, तो ये रात भर सोख करके रख दिया था, 1 कप है काली वाली दाल और थोड़े से राजमा। ये दाल ना रात भर सोख करो तो थोड़ी ग्रीनिश हो जाती है, बट वही जो नॉर्मल दाल मखनी वाली दाल होती है ना वही है। तो इसमें नमक और क्रश जिंजर गार्लिक डाल के प्रेशर कुक कर लूँगी। दाल बॉयल हो चुकी है, बस जल्दी से छौंक लगाना है। और दाल मखनी में मैं प्याज बहुत कम डालती हूँ या फिर कभी कभी डालती ही नहीं, अदरक लहसुन और अच्छे से टमाटर, और ज़्यादा मसाला भी नहीं डालती, खरे वाले गरम मसाले डालती हूँ और गरम मसाला पाउडर भी डालती हूँ जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना इंडियन ग्रोसरीज की थोड़ी सी तो दिक्कत है, लाइक ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, मिल जाता है पर ना हमेशा नहीं मिलता, लाइक करी पत्ता है वो हमेशा नहीं मिलता, सेव ऑन फूड में कभी कभी मिल जाता है, तो आप अच्छे से ले लो और फिर फ्रीज करके रखो, ऐसा करना पड़ता है। और करी पत्ते के लिए मुझे बहुत सारे आते हैं कॉमेंट कि आप घर पे लगा लो, तो घर पे लगाने के लिए भी ना करी पत्ता का जो स्टेम होता है वो थिक वाला जो स्टेम होता है वो चाहिए, वो तो मिलता नहीं है, और प्लांट तो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, बट किसी ने मुझे अमेजोन सजेस्ट किया था तो मैंने चेक किया अमेजोन पे है, वहां पे इंडिया से आता है, आई थिंक शिपिंग लेके $15 का पड़ रहा है और नवंबर तक आएगा, तो मैं वही अनुज को बोल रही थी कि एक बारी रिस्क लेके देख लेते हैं, वैसे प्लांट्स कभी हमने ऑनलाइन मंगवाए नहीं है कि कैसा आता है, बट अगर आ गया और इंडोर भी है ये अच्छी बात है, तो आ गया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि करी पत्ते का दुख तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि वो आप सीड से या किसी चीज से लाइक धनिया एंड ऑल तो आप सीड से भी उगा लो, बट करी पत्ते के लिए तो प्लांट चाहिए या फिर थिक स्टेम चाहिए जो लगा सके। तो मैं सोच रही हूँ कि करती हूँ, मंगवाई लेती हूँ, थोड़ा $15 का है, बट अगर आ जाता है अच्छा खासा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। किसी ने अगर मंगवाया है अमेजोन से तो बताना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। अब जैसे मिर्ची है तो सुपर स्टोर में अनुज को मिर्ची का एक छोटा सा पैकेट मिला $6 का, जी हाँ $6 का, तीखी बहुत थी, बड़ी बड़ी मिर्ची थी, लाइक 2 बारी यूज हो जाएगा, बट फिर इंडियन स्टोर गए
छोटा सा ही स्टोर है यहाँ पे, सब्जियां नहीं मिलती यहाँ के इंडियन स्टोर में, सिर्फ ये सूखे मसाले वसाले ये से मिलते। तो फ्रोजन सेक्शन में मिली फ्रोजन मिर्चियां, इतना बड़ा पैकेट, तो वो लेके आ गए हैं, तो उनकी मिर्ची की टेंशन तो खत्म हो चुका। जो लोग अनुज को जानते हैं उनको पता है कि मिर्ची घर पे ना होना कितना बड़ा टेंशन है। मुद्दा है ये, मुद्दा हमारे घर का, जो चलो सॉल्व हो गया है। और इसका मसाला फ्राई करती हूँ मैं घर के बने हुए शुद्ध देसी घी में, और साथ में थोड़ा बटर डालना तो बनता है। अब दाल मखनी है, मखनी मींस मक्खन, है ना। ज्यादा डालना है कम डालना है वो आपकी श्रद्धा, वो डिपेंड करता है कि आप कितना वर्कआउट करते हो। चलो कभी कभी तो चलता है, डाल देते हैं। और ये सारे खरे मसाले जाएंगे घी में, बड़ी वाली इलायची, छोटी इलायची, सिनेमन स्टिक, लौंग, बे लीफ, मिर्ची, फूल चक्री और जीरा, और नटमेग को ग्रेट करके थोड़ा सा पाउडर बना लूंगी। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है तो बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ मैं। अदरक लहसुन और प्याज सब साथ में ही डाल दिया है मैंने, और रफली चॉप किया है। मसाला भून चुका है और ठंडा भी हो गया है, अब मैं इसको पीस के स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी। दाल मखनी के लिए अच्छे से टमाटर चाहिए, तो मैंने सुबह एक टमाटर तो उपमा में डाल दिया था, तो एक ही टमाटर बचा है मेरे पास, तो सामने ही कॉस्को है, तो ये फायदा हो गया है कि सामने कॉस्को है। तो अभी मैंने अनुज को बोला कि लेके आ जाओ, हल्का फुल्का ही लाना है, ऐसे कुछ इंडियन ग्रोसरीज तो मिलती नहीं है कॉस्को में, ना ही इंडियन सब्जियां मिलती हैं, गोभी वोभी तो है ही, तो बस दूध और टमाटर के लिए बोला है। और उनको दिख गए हैं प्लांट्स, रबर प्लांट। चलो ठीक है, बट यही है कि कॉस्को में ना सही में प्लांट्स का कॉस्ट बहुत अच्छा होता है। बाहर रबर प्लांट कहीं पे भी हम थोड़े से अच्छे हाइट वाला देखते हैं $60-70 से कम नहीं होता, पर यहाँ पे अभी अनुज ने वीडियो कॉल पे दिखाया $20 में, लाइक $19 सम सेंट्स, तो $20 में अच्छा खासा हाइट वाला रबर प्लांट है। अब आप बोलोगे सुचि फिर से प्लांट, तो वही है जैसे हम बच्चों के लिए कोई कटौती नहीं करते ना, वैसे हम प्लांट्स के लिए भी कोई कटौती नहीं करते। अपना प्याज लहसुन के साथ टमाटर भी फ्राई करके और फिर पीस सकते हो। मैं तो वेट कर रही हूँ कि अनुज आए टमाटर लेके, तो वो अलग से पेस्ट बना के फिर डाल दूंगी कि चलो काम आगे बढ़ा रहेगा। अदरवाइज सब कुछ डाल के, टमाटर भी डाल के और उसको कुक करके और फिर पेस्ट बना लो ठंडा करके। कश्मीरी चिली पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में बनाऊंगी जीरा राइस। तो ये बासमती राइस मैंने सोक करके रख दिया था, इंस्टेंट पॉट में ही बना रही हूँ, फटाफट से बन जाएगा। इसमें डाल दिया है घी। ये है भाई हमारे घर के नए मेंबर। हेलो रबर प्लांट, बहुत दिन से वेट कर रहे थे हम। ये छोटू सा बेबी रबर प्लांट है और ये बिग रबर प्लांट है। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना, कॉस्को में ना पॉट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, नहीं वैसे तो प्लास्टिक का है, बट ये बिग प्लांट्स तो इसी में रहते हैं। रबर प्लांट्स एक डार्क बर्गंडी कलर में भी आता है, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, बट ये भी अच्छा है। ये भी ट्रॉपिकल प्लांट में ही आता है। How many tropical plants? And this is rubber. And up there, what's that? And this is fire plant. This, yeah, I already introduced him. And this one, it's pretty long. It's another money plant, right? There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. खाना बनाने में कितना टाइम लगता है? खाना खाने में 2 मिनट और उसके बाद सफाई करो। और खाना खाने के बाद ना अगर मैं बैठ गई ना, फिर शाम को सफाई करने में ना बहुत आलस आता है, इसलिए
खाना खाने के बाद अभी मन तो कर रहा है कि थोड़ा सा बैठ जाओ, रिलैक्स करूं, पर नहीं, पहले ये सब क्लीन अप करती हूँ। यहाँ पे काफी बर्तन जमा हो गए सिंक में, वो सारा डिश वॉशर में डालूंगी, लेफ्ट ओवर्स हटा देती हूँ, गैस क्लीन कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठती हूँ। चलो भाई, सारी सफाई हो गई और बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने डिश वॉशर चला दिया। वैसे मैं रात को ही चलाती हूँ और बड़े बर्तन तो आते नहीं हैं, तो ये मैंने हाथ से ही धो लिए हैं। अब थोड़ा सा सौंफ खाते हैं। अभी अनुज अपने वीकेंड की नींद एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों का टीवी टाइम चल रहा है और मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया। अब मैं यहाँ पे अच्छे से आराम से बैठ के धूप खा रही हूँ और कुछ ऐसे ही लैपटॉप में ढूंढ रही थी, कुछ कर रही थी। मुझे यहाँ पे बैठ के काम करना बहुत अच्छा लगता है। आजकल कुछ पेंटिंग या कुछ DIY भी करना होता है ना, तो मैं यहीं पर बैठती हूँ। यहाँ से अगर धूप है ना बाहर, तो अच्छी सी धूप आती है यहाँ से बालकनी के डोर से। चलो भाई, शाम की चाय पी लो, जल्दी जल्दी आ जाओ, चाय गरम चाय गरम। अभी मैं हॉटस्टार पे जो हॉस्टेज का Season 2 आया ना, वो देख रही थी। अच्छा है, Hostage 1 तो देखा हुआ है मैंने, अच्छा था, काफ़ी दिन से आया हुआ है ये, तो अनुज ने देख लिया। बट रात को ना मुझे नींद आ जाती है, अगर मुझे पता ही नहीं चलता तो रात को देखने का बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये शक्य उसके सोने से पहले ही मैं सो जाती हूँ, है ना। फिर येशा मुझे ब्लैंकेट उड़ा देती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। गरम गरम चाय के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। Keep smiling and as always, keep making lots of memories. Keep making lots of memories.